हेलो गाइस, मेरा नाम सोहेल, आप देख रहे हैं वेटी 007। आज के हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। हमारी दूसरी सर्वर फिर स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले एक चीक को ढूंढेंगे, क्योंकि हमें उससे टूल भी बनाने होंगे। यहाँ पे एक भी ट्री नहीं है आसपास। गाइस, हमें यहाँ पे मिल चुका है विलेज, तो चलते हैं हम उसकी तरफ जल्दी से, क्योंकि वहाँ से हमें बहुत ही अच्छी लूट मिलेगी और हम यहाँ विलेज में ही रहेंगे। और हम जा रहे हैं विलेज की तरफ। ये बड़ा घर शायद से लाइब्रेरियन का ही है, क्योंकि हमारी SMP में मेरा दोस्त यहीं पे रह रहा था। लास्ट तक उसने एक भी घर नहीं बनाए थे, यहीं पे रहा था। तो यहाँ पे एक लाइब्रेरियन का चेट चेक कर लेते हैं हम। चेट में तो कुछ अच्छा सामान नहीं था। इसकी चेट भी चेक कर लेते, इसकी चेट भी वैसी है। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं विलेज को लूटने के लिए। यहाँ पर हम सबसे पहले वुड कट कर लेते हैं, क्योंकि हमें वुडन टूल बनाने हैं। यहाँ पर हमने कोबलस्टोन और वुड दोनों माइन कर लिए हैं और इस घर को पूरा उजाड़ दिया है। यहाँ पर हम बनाने वाले हैं हमारे कोबलस्टोन के टूल। यहाँ पर हमने बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पर हमारे टूल्स बन चुके हैं, तो हम यहाँ पर जाएंगे आगे लूटने के लिए। यहाँ पर हमें आगे ब्लैक स्मिथ का घर भी मिल चुका है। इसके अंदर हमें अच्छी लूट मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पे हम इसकी चेस्ट चेक करते हैं। यहाँ पे हमें मिल चुका है बहुत ही अच्छी लूट। यहाँ पे आयरन बहुत ही ज़्यादा मिल चुका है 5, और आयरन के टूल और आर्मर मिल चुके हैं। हम यहाँ पे सैपलिंग भी ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आसपास एक भी ट्री नहीं है। हम चल यहाँ पे हम फर्नेस भी ले लेते हैं, क्योंकि हमें स्मेल्ट करने में बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। फर्नेस जाते हैं आके लूटने के लिए। यहाँ पर हमारा आर्मर पहन लेते हैं। अब हम यहाँ पर हम आगे जाएंगे। यहाँ पे एक केव लगते नहीं, एक बड़ा सा गड्ढा है। हम यहाँ पे आगे चलते हैं। अब इस तरफ तो मैं गया था। अब मारेंगे हम गोलम को, जिससे हमें और भी ज़्यादा आयरन मिल जाएगा। यहाँ पे हम मारे 3 ब्लॉक ऊपर चढ़ जाएंगे, क्योंकि उससे हमें गोलम टच भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पर हम इजीली मार पाएंगे गोलम को। बेचारा गोलम जो भी होता है उसको मार के चला जाता है। यहाँ पे हम उसको जल्दी से मारते हैं, और हमने आधा मार दिया। और यहाँ पे हमारा गोलम मर चुका है, तो चलते हैं आगे की ओर लूटने के लिए हमारे विलेज को। गोलम ने 3 आयरन दिए हैं, हमारे पास 5 पहले से ही थी। और यहाँ पे इस टावर में एक ब्रूइंग स्टैंड हमें मिल जाएगा, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे एक फार्म है और 3 घर। ये विलेज तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ भी है, और ये अच्छा भी बहुत ही ज़्यादा विलेज है। हम उस बड़े वाले घर में रहने वाले हैं आगे जाकर, क्योंकि वो हमें जल्दी बनाना नहीं पड़ेगा हमारा नया घर। उससे हमारा टाइम भी बच जाएगा। यहाँ पे आप अगर आप तो इसका दूसरा पार्ट भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना। यहाँ पर हमें मिल चुका है एक और लाइब्रेरियन का घर। यहाँ पे एक ब्लास्ट फर्नेस वाले का घर भी है। इसमें ब्लास्ट फर्नेस ले लेंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्मेल्ट करने में फास्ट है, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। यहाँ पे हमें मिल चुका है एक और ब्लैक स्मिथ का घर। इसके अंदर से देखते हैं हमें कौन सी लूट मिलती है। यहाँ पे हम फिर से 2 फर्नेस ले लेंगे, क्योंकि हमें चोरी करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पे मिल चुका है बहुत ही ज़्यादा आयरन। यहाँ पे फिर से हमें वही आर्मर मिला है। अगर हमें हेलमेट और चेस्ट प्लेट मिलती तो हमारा आर्मर सूट कंप्लीट हो जाता, हम बन जाते आयरन मैन। अब मैं ढूंढने वाला हूँ एक केव को, जिससे हम हमारा आयरन सूट कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ पे एक केव लगती है, बड़ी वाली है शायद से, मुझे लग रहा है। यहाँ पे हम केव के पास आ चुका हूँ। यहाँ जाएंगे नीचे धीरे धीरे करके हुए। यहाँ पे हम जल्दी से कोल माइन कर लेते हैं, क्योंकि हमें कोल बहुत ही ज़्यादा काम आएगा स्मेल्टिंग करने के लिए। यहाँ पे आपको पीछे भी कोल मिला, आपको उसको माइन कर लेना है, क्योंकि कभी कभार तो हमें कोल की जरूरत पड़ती है, हमें मिलता ही नहीं है कोल। यहाँ पे केव में आप जब भी आपको कोल मिले तो उसको माइन ही कर लेना चाहिए, क्योंकि कोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा कोल मिल चुका है, तो यहाँ पे हमें हमारा कोल भी ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे हम हमारी केव पे शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो चुकी है। अब जाएंगे फिर से ऊपर, क्योंकि
ये केव तो है खत्म, ढूंढेगा नहीं केव। गाइस हमें एक भी केव नहीं मिले और मुझे बाद में पता चला कि हम हमारा आर्मर बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास 13 आयरन है। तो यहाँ हम इस घर में रुकेंगे तो इस घर को हम थोड़ा सा साफ भी कर लेंगे क्योंकि अब यह हमारा घर है। यहाँ पे हमने हमारी तरफ से सारा सामान लगा दिया है। यहाँ पे फर्नेस और क्राफ्टिंग टेबल लगे, ऊपर हमने बेड लगाया है। यहाँ पे हम हमारा आर्मर बनाने वाले हैं, हेलमेट और चेस्ट प्लेट। यहाँ पे हम हमारा आर्मर बना लिया है, यहाँ पे हम उसको पहनेंगे। गाइस यहाँ पे हम बन चुके हैं फुल्ली आयरन कवर, मतलब आयरन मैन। यहाँ पे तो हम इसको वीडियो को यहीं एंड करने वाले हैं। मजा है तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाना। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक।